ओके सुनिए, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम सीखेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम वैसे तो तुम लोग अब प्रीवियस क्लास में भी सीखे हो, इस क्लास में वही चैप्टर रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम में जो इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम इसका डिफरेंस और किसी नंबर को फिगर में लिखना और नंबर नेम में लिखना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू। कोई कोई मैथ में रहता है कि इसमें टू का प्लेस वैल्यू का प्लस करो, ऐसे जो वो हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट देखो एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ये, और नियरेस्ट 10, 100, 1000, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम में एक तो है इंडियन सिस्टम, और इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों का डिफरेंस अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे 1, 10s, ये वैल्यू का चार्ट जो है, वैल्यू चार्ट वो हम लोग सीख लेंगे पहले। 1s, 10s, 100, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, ये इंडियन सिस्टम में है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में देखो कैसा होता है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तुम लोगों का यहीं तक रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा हम लोग अच्छे से देखेंगे क्या डिफरेंस है। देखो इंडियन सिस्टम में 1s, 10s, 100, इसमें भी 1s, 10s, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000, यहाँ तक तो दोनों सिस्टम में सेम है, पर इसके बाद जहाँ पे इंडियन सिस्टम में लैग आ रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, 100,000, फिर मिलियन, यहाँ से हो जा रहा है चेंज, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे 1000, 10,000, पर इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000, फिर 1 मिलियन, ओके, ऐसे ये होगा। तो सोचो हम लोग किसी एक नंबर को ये दोनों में लिखेंगे, दोनों सिस्टम में, फिर इसको फिगर में लिख के देखेंगे कि फिगर में उसको हम लोग नंबर नेम में यानी वर्ड में लिखेंगे और देखेंगे कैसे क्या डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो कोई एक नंबर सोच लो, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 0, 2, 1, ओके। तो इसको पहले हम लोग ये वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे दोनों में, फिर उसको नंबर नेम में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे, सोचो कि ये नंबर तुमको दे के बोला गया है कि राइट नंबर नेम, यानी इसको वर्ड में लिखो। अभी तुमको कैसे पता चल गया कि ये कौन से थाउजेंड में लिखेंगे, कौन सा लैख में होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग इसमें लिखेंगे, वैल्यू चार्ट में पहले लिखेंगे। तो लिख के फिर हम लोग देखेंगे कि क्या है। देखो 1, 2, 0, 9, 8, 6, 5, 2, 1, ओके। और इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं 0, 9, 8, 6, 8, 6, 5, 2, 1, ओके। तो देखेंगे अभी, देखो यहाँ पे देखो 1s के घर पे 1, 10s के घर पे 2, ठीक है, आप लोग देख लो। तो ये देखो हम लोगों का क्या है, लास्ट में देखो 10 crore, 10 crore में है 1 into 12, तो ये क्या हो गया 12 crore, ओके,
12 crore, जब आप स्पेलिंग में लिखोगे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 12 crore, ठीक है। फिर देखो 56 lakh, लाख का जो दो घर है इस पे क्या है 56, ठीक है। तो 56 ऐसे करके आप लोग लिखोगे 56 lakh। फिर 1000 में क्या है 89, सो 89,000 एंड 100 के घर पे 0 है इसको नहीं लिखेंगे। फिर 10s के घर में 2 है और 1s के घर में 1 यानी 21, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया 12 crore 56 lakh 89,021, ओके। अभी इसी को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में, आई होप तुम लोग वर्ड में ऐसे लिख लोगे, ओके, स्पेलिंग करके। इंटरनेशनल सिस्टम में देखो क्या है, मिलियन का देखो यहाँ पे 3 करके घर होता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे 2 करके, तो यहाँ पे देखो मिलियन में क्या है, मिलियन के तीनों घर में है 125, तो ये होगा 125 मिलियन, ओके। 125 मिलियन। फिर देखो 1000, हम लोगों को पता है 3 घर 1000 का, तो इस पे क्या है 689, तो 689,000, एंड 21, इसको हम पूरा ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसको नंबर नेम में लिखना है। आई होप तुम लोगों का ये दो सिस्टम क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे जब कभी कभी बोला जाता है पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू पुट कॉमास, ऐसे पूरा नंबर तुमको दिया रहेगा उस पे तुमको कॉमा देना है, तब क्या करेंगे देखो 100 तक, ठीक है, 100 ऐसे हम लोग तब कॉमा देंगे ऐसे, इंडियन सिस्टम में तब हम लोग कॉमा देंगे ऐसे, क्योंकि देखो हम लोग 12 crore, एक हम लोगों का करोड़ का प्लेस हो गया, फिर हम लोगों का लाख का प्लेस हो गया, फिर 1000 का, ठीक है, और दिस 100 दिस, ऐसे ये कॉमा ऐसे होगा। पर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या, वो भी उसके प्लेस के वाइज, उसके प्लेस वैल्यू के वाइज कॉमा होगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे 689,000, तो 1000 का प्लेस तो ये है, तो 1000 का यहाँ पे कॉमा होगा, फिर यहाँ पे अगर कुछ नंबर रहे तो यहाँ पे होगा, ओके। तो ऐसे ये कॉमा पुट करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का ये हो गया, ये सब हो गया प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इसी नंबर को सोच लेते हैं, अभी एक ही सिस्टम में अभी कर रहे हैं इंडियन सिस्टम में, ओके। अच्छा, प्लेस वैल्यू देखो, अगर यहाँ पे 8 के नीचे मार्क रहे और बताया जाए राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर, तब क्या होगा, 8 कौन से प्लेस में है, देखो 8 कौन से प्लेस में है, 10,000 के प्लेस में है, तो 8 × 1, 1, 2, 3, 4, ये है 8 का प्लेस वैल्यू, ठीक है। 8 कौन से प्लेस में है, 8 10,000 के प्लेस में है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू हुआ 80,000, ठीक है। अगर सीधा सीधा बोले प्लेस वैल्यू, तो ये और इसके बाद जितने डिजिट से उतना जीरोस, ये नंबर लिखे उसके बाद जितना डिजिट है उतना जीरोस, ये इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। पर जान लो आप लोग, क्योंकि ये इस पोजीशन में है 10,000 के, तो इसका प्लेस वैल्यू 80,000, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू का क्या होगा, 8 का फेस वैल्यू 8, 9 का फेस वैल्यू 9, ठीक है, कोई भी नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर होगा,
ओके ओके, तो अभी हम लोग करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी सोचो कि ये जो एक नंबर दिया गया है, अभी बताया गया कि इसको राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी इसको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये वन जो है ये कौन से प्लेस में है, ये 10 करोड़ के प्लेस में है। तो एक्चुअली इसका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, प्लस इसका यानी सबके प्लेस वैल्यू को प्लस कर करके लिखना पड़ेगा, वही हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू पता है 1 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस, प्लस 2 का प्लेस वैल्यू 8 का, 9 और 3 जीरोस, प्लस यहाँ पे 0 का आप लोग प्लस 0 लिख सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो, 0 प्लस करना है, एक नहीं करना, एक ही बात है, 20 प्लस 1, ठीक है। ओके, तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी सबके अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज नंबर्स को लिखना है विथ अ प्लस साइन, ओके, विथ प्लस साइन सबके प्लेस वैल्यूज को लिखना है। प्लेस वैल्यू हम लोग पहले सीख चुके हैं कि ये नंबर जिस प्लेस में है वही उसका प्लेस वैल्यू है, क्या है, ये 10 करोड़ के प्लेस में है, तो 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस, प्लस ये 2 और 7 जीरोस, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऐसे दिया रहेगा, उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, वो हो गया शॉर्ट फॉर्म, या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म भी उसको बोला जाता है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म, यानी इसको ऐसे करके लिखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये नियरेस्ट 10 ये वाला करेंगे, ये थोड़ा अच्छे से समझना है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक जितना भी मैथ है ट्राई टू सॉल्व देम, जितना भी मैथ है उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना। थैंक यू।